या गुड इवनिंग आमा ऑडिबल आवाज आ रही है मेरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं ऑडिबल ऑडिबुल नॉट ओके सो लास्ट ईयर तक दोन यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी हमने फ्री में दी बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम निकालना डिफिकल्ट हो रहा है एंड यहां हम आज के सेशन में ज्यादा बातें ना करके सीधा टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारा मूल टॉपिक क्या है ठीक है इज फर्स्ट क्लास फ्री ऑफ ऑल बट फ्रॉम टूमोर द फी इज टू थाउजेंड बट ट्वेंटीन हंड्रेड ओके लेक्चर्स जो है वो दोनों फॉर्म में होंगे आपके लेक्चर्स सारे के सारे लेक्चर्स लाइव होंगे अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको ये मिलते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ठीक है आप भी इनकी रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा क्लासेस में थोड़ा सा बता देता हूँ स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल के अलावा आपको यहाँ पे फाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होंगे ठीक है फाइव फुल मॉक टेस्ट होंगे बाकी आपको टॉपिक वाइज जो क्लासेस है वो मिल जाएंगे अब आते हैं हम खासकर दून यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स का पैटर्न मैंने अपने यूट्यूब में आपको ऑलरेडी समझा दिया था बट अभी जो मैं चर्चा करना चाहूंगा वो सिलेबस पे चर्चा करना चाहूंगा ताकि आप क्लासेस स्टार्ट करें उससे पहले आपको सिलेबस समझ में आ जाए और सिलेबस समझ में आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप कल को सेल्फ स्टडी करने भी बैठो क्योंकि क्लासेस आपको गाइड कर सकते हैं क्लासेस आपको हेल्प कर सकते हैं आपके प्रिपरेशन में क्लासेस आपको ये बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है क्लासेस आपको एक कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लासेस आपको सेम टू सेम हु हंड्रेड परसेंट वही क्वेश्चन और वही टॉपिक दे सकते हैं इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कोई भी प्लेटफॉर्म कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए कि वो आपको सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड करवा पाए तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं खासकर धून के सिलेबस की कि क्या आपको पढ़ना है मैंने अपने सेशन में बताया था कि आपको अगर आप लैंग्वेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है जो कंटेंट जितना भी कंट्री जीके वगैरह वो पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर्स पढ़ना होता है जीके पढ़ना होता है बेसिक जीके जो होता है वो पढ़ना पड़ता है उसके अलावा आपको पढ़ना पड़ता है इंग्लिश की बेसिक जो ग्रामर है वहां से आपको कंटेंट पढ़ना पड़ता है साथ ही साथ रीजनिंग का बहुत ही बेसिक पॉइंट्स को कवर करना होता है टोटल हंड्रेड मार्क्स का और हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है जो कि बहुत हार्ड नहीं होता है बड़े आराम से एट्टी टू एटी फाइव मार्क्स उसमें ला सकते हैं वॉइस uh, क्लियर नहीं है क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या कोई लिख रहा है नीचे वॉइस इशू मेरी आवाज़ आप तक तो क्लियर नहीं आ रही है कि ये बताइए क्लियर है ओके क्लियर है ओके ओके तो आपको शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जिन्होंने लिखा है यहाँ पे वॉइस इशू रेडमी नाइन ए करके हैं ठीक है तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो है अब हम बात कर लेते हैं आपके आपको इंग्लिश ग्रामर मोस्टली सबको आता होगा शायद ही ऐसा कोई होगा जैसे इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ नहीं पता हो लेकिन ये यूजी के लिए ही है सिर्फ यूजी के लिए है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीजी एक्चुअली दूर यूनिवर्सिटी यूजी के लिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपके लिए बिल्कुल नया क्या है एकदम नई चीज क्या है कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने चाइना का हिस्ट्री पढ़ा है कितने स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने जर्मनी के बारे में पढ़ा हुआ है कितने स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने स्पेन स्पेन के बारे में पढ़ा हुआ है और कितने स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिनको जापान का पूरा का पूरा जो जीके है वो अच्छे तरीके से पता है उसका हिस्ट्री उसका कल्चर यहाँ पे आ, उसका पॉलिटिक जो पॉलिटिक्स है वहाँ का उसके बारे में डेंस रूल रहे हो उसके बारे में हाउ मेनी स्टूडेंट्स एन आइडिया अबाउट कंट्री जी के प्रॉपरली हैव यू एन आइडिया अबाउट इट इफ यस देन प्लीज कमेंट अगर आपको आता है आपको पता है एंड प्लीज जो लिंक है जूम का वो औरों के साथ भी शेयर कर दें आपके बहुत सारे क्लासमेट्स तैयारी कर रहे होंगे उनकी लैंग्वेज कोर्सेस में जाने के लिए तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं नो सर ओके और कोई है जिसको आइडिया है इसके बारे में प्रॉपर कोई भी हो ऐसा कोई है ऐसा आप में से जिसको एक ये हो कि हाँ मैं जो कंट्री जी के रहा है उसको लेके एक स्टार्टिंग से आपने कंटेंट के ऊपर काम किया हो कभी ऐसा कोई भी नहीं है सर टेंथ में पढ़ा था यूनिफिकेशन इटली एंड जर्मनी वगैरह फ्रेंच रिवोल्यूशन बट वेरी लिटिल ओके नो प्रॉब्लम उसके अलावा साहिल अख्तर जापान में जापान का बार में थोड़ा बहुत पढ़ा है ओके okay? जापान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है ओके okay? जापान के बारे में थोड़ा थोड़ा है अबाउट सिक्सटी परसेंट नॉट मोर देन दैट ग्रेट ओके तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि आखिर तो होता क्या क्या है क्या, क्या क्या पढ़ना होता है आपको वो समझ लेते हैं मैं आपके सामने चारों कंट्री यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ चारों कंट्री में आपको सेम चीज़ ही पढ़नी होती है आप जापान पढ़िए आप चाइना पढ़िए आप जर्मनी पढ़िए उसके अलावा आप स्पेन पढ़िए ठीक। फ्रांस की बात है फ्रांस का फ्रेंच में एडमिशन भी डायरेक्ट एंट्रेंस के थ्रू ही हुआ था पिछले साल भी उसमें लिखा क्यों नहीं आई डोंट नो तो फ्रांस के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हम फ्रांस को लेके कोई रिस्क नहीं लेंगे ठीक है अब देखिए आपको तो यहाँ पे मोस्टली किन किन चीज़ों पर फोकस करना होता है आपको कल्चर पे फोकस करना होता है किस पे फोकस करना होता है साथियों कल्चर पे फोकस करना, तो करना होता है उसके अलावा आपको वहां की हिस्ट्री पे फोकस करना होता है ठीक है किस पे फोकस करना होता है हिस्ट्री पे इसके अलावा तीसरा जो आपका होता है वहां पे वो करना होता है वहां की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर फोकस करना होता है चौथा आपका जो पॉइंट होता है वो वहां की जोग्राफी पे जोग्राफी उसके अलावा फिफ्थ जो आपका होता है वहां पे ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें माउंटेन वगैरह आते हैं वो सब पढ़ने होते हैं आपको ज्योग्राफी के अलावा जो उसमें आता है वो वहाँ के जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो आपको पढ़ने होते हैं ठीक है फेमस पर्सनैलिटीज ठीक है उसके अलावा आप और पढ़ेंगे अगर गेम्स के बारे में पढ़ना होता है वहां के नेशनल गेम्स वगैरह क्या हैं उसके अलावा उन्होंने कब लाइक वर्ल्ड कप या फिर हम कहें फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया या फिर हम कहें कि ओलंपिक वगैरह उन्होंने कब होस्ट किया रिसेंटली कब होस्ट किया आने वाले दिनों को होस्ट करने वाला है कि नहीं वो सब चीजें आपको कवर करनी होती हैं और वो मैंडेटरी हो जाती हैं आपके लिए ठीक है सर आई वन दैट Uh, actually uh, we are not providing any course related to psychology uh, psychology ki baat hai to main aapko wahan ke kuch context de dunga uh, there are many of my students those who are like uh, studying in dun university jo ki psychology mein hai pichle saal selections hue the so i will provide the contact details then they will definitely help you okay एंड एम डी सारिक सर मैं मणिपुर में स्टडी करता हूँ और वहाँ तो वॉयलेंस हो रखा है और मैं अभी बिहार आ गया हूँ पेरेंट्स मुझे अलाउ कर नहीं रहे हैं सेंटर चेंज नहीं कर रहे हैं सर क्या करें आप ईमेल डालिए ईमेल डाल दीजिए एन को सेंटर चेंज हो जाएगा ठीक चलिए यहाँ पे गेम्स की बात की मैंने उसके अलावा आप जानते हैं कि यहाँ पे जो किंग वगैरह रहे हैं ठीक है वहाँ से रिलेटेड और जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आपके आते हैं रिवोल्यूशन ठीक है रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन के अलावा आपको यहाँ पे जो पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है खासकर जो आ, बी कॉम ऑनर्स के लिए अलग है मैं उसका मॉक पेपर एक बार सॉल्व करवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा जूम यूजर करके जो आप हैं ठीक है रिवोल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देखेंगे पर एक, एक आपको मैं यहाँ पे देना चाहूंगा हम अगर कंट्री वाइज देखते हैं तो कंट्री वाइज एक चीज हम समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका बर्लिन वॉल से कहां से आता है बर्लिन वॉल आप जानते हैं बर्लिन वॉल जर्मनी में है लेकिन बर्लिन वॉल से क्वेश्चन दो आते हैं लोग बहुत सारा पढ़ते हैं इसके बारे में ये पढ़ेंगे कौन बनवाया था क्या हुआ था क्यों क्यों बनवाया गया था फिर गिराया गिराया गिराया, गिराया 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 क्यों गया ठीक है वो तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में लोगों को एक सस्पेंस रहता है और उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं आपको केवल यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है नाइनटीन और नाइनटीन इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बर्लिन वॉल को लेकर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पे कौन सी कथा पढ़ रहे हैं डजेंट मैटर आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो आपका कंटेंट है साथियों जो आप पढ़ रहे हैं कंटेंट पढ़ रहे हैं जितना भी आप वो कंटेंट आपको हेल्प करे आपके प्रिपरेशन में दूसरी चीज आपका जो कंटेंट है वो हेल्प कैसे करेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं एमडी डी शारे अभी याद आया है नाम तुम्हारा एक्चुअली मेरा फ़ोन खो गया तो बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स वहाँ से डिलीट हो चुके हैं चोरी हो गया था तो दून के अंदर अराउंड पिछले साल सिक्सटी टू एटी स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए थे uh, जो फ्री क्लासेस करते थे मेरे पास उसके अलावा लगभग हर स्टूडेंट ने एडवाइस लिया था तो थिंक ये कि वहां से भी हर सेंटर में लोग थे लेकिन अभी मोबाइल खोने की वजह से प्रॉब्लम हो गया मुझे थोड़ा सा तो 1961 और 1999, ये दो आपको बर्लिन वॉल तो क्लियर है कि, दो ही आते हैं कि बर्लिन वॉल कब बना था और बर्लिन कब गिराया गया। ये दो ही क्वेश्चन आते हैं बर्लिन से। आप पूरा उठा के देख अलग अलग यूनिवर्सिटीज के आपको समझ में आ जाएगा कि बर्लिन वॉल से क्वेश्चन क्या था तो बर्लिन वॉल से केवल दो ही क्वेश्चन है ठीक है अब आप यहाँ पे पढ़ेंगी वहां पे कम्युनिज्म का राइज हुआ कम्युनिस्ट चाहते थे कि हमारा पूरी दुनिया पे राज हो जाए वो वहां थे क्या नाम है रशिया से आता है वो बंदा और वो आके वहाँ पे अपना आइडियोलॉजी स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है फिर बर्लिन वॉल इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि एक आइडियोलॉजी जो है विचारधारा है ये दिखाया गया कि उसे गिरा दिया गया अब हम उस विचारधारा को नहीं मानते क्या मतलब पढ़ने का एग्जाम क्रैक करना है ना आई तो अभी बनना नहीं है आई ए एस बनेगा भी पढ़ लेंगे क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकता है आपको तो क्रिटिसाइज करने को पूछ सकता है आपको एग्जाम में पूछ सकता है अभी वहाँ लिखने वाली नौबत तो नहीं हुई आई है ना सो ये बहुत सारी चीजें हैं तो ये एक क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होता है ऐसे एक क्वेश्चन आता है आपका जैसे आप जब पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल स्पेन की बात करता हूँ मैं आपसे स्पेन की बात करता हूँ बहुत ही कॉमन चीजें बताने वाला हूँ मैं आप 2002 में ले चलता हूँ मैंने अपने YouTube पे ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो बनाए थे सीवीटी के लिए आप भी देख सकते हैं वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपको 2002 में ले चलता हूँ 2002 में क्या हुआ यहाँ पे यूरो आता है क्या आता है यूरो यूरो एक कॉमन करेंसी थी जो कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री है उन्होंने अपने लिए लॉन्च की थी अब 2002 में यूरो आता है वहां पे और यूरो से पहले ये एक करेंसी यूज करता था जिसका नाम था पेस्ता ठीक है इस करेंसी का नाम क्या था स्पेन की करेंसी 2002 से पहले क्या थी पेस्ता थी अब इन्होंने क्या किया इसे रिप्लेस करके जब यूरोपियन यूनियन का क्योंकि स्पेन हिस्सा है और जब मैं पढ़ाऊंगा क्लासेस कराऊंगा तो आपको पहले ये बताऊंगा यूरोपियन यूनियन क्या है ताकि आप समझ पाए ठीक है तो स्पेन जो है इसने क्या किया यूरो को एक्सेप्ट कर लिया अब क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में कि यूरो के आने से पहले स्पेन का करेंसी क्या था और कई तो महाशय ऐसे हैं जो यूरो लगा के आते हैं तुक्का मारो मगर ध्यान से ठीक है क्वेश्चन में क्या पूछा कि यूरो के आने से पहले वहां की करेंसी क्या थी तो वहां की करेंसी क्या थी पेस्ता अब आप यहाँ पे बैठ वो पढ़े बैठ के कि पेस्ता वो राजा लेके आए थे क्योंकि स्पेन में मुनैरकी सिस्टम है तो मुनैरकी सिस्टम का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप ये कहें कि वहां पे वहां का राजा ये करेंसी लेके आया था इस करेंसी को इतने सालों तक चलाया फिर दो दो में ये हुआ फिर वहां पे यूरो आता है नहीं भैया नहीं है पढ़ने की जरूरत आपको केवल इतना पता करना कि यूरो कब आया था टू थाउजेंड में आया था पहले कौन सी करेंसी थी पेस्ता थी कानी खत्म क्वेश्चन क्रिएट होगा तो यहीं से होगा अन्यथा नहीं होगा बाकी होगा तो यूरोपियन यूनियन से होगा यूरोपियन यूनियन एक अलग टॉपिक है अपने आप में ठीक है क्लियर है तो इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है ऐसे में एक क्वेश्चन आपको ले चलता हूं नाइनटीन फोर्टी नाइन उन्नीस सौ उनचास नाइनटीन अब नाइनटीन में ले जाने से पहले मैं आपको चाइना की जो बात बताने वाला हूं उससे पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ जैसे आप यहां पे पढ़ेंगे माओ जेदोंग को माओ जेदोंग को पढ़ेंगे ठीक है आज अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपको पता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी जिसे कहते हैं या सीपीसी कहते हैं ठीक है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको 2021 में 100 साल पूरे हो गए कब पूरे हुए 100 साल 100 ईयर उसको पूरे होते हैं 2021 में अब 2021 में इसको 100 साल पूरे हो गए तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एस्टेब्लिशमेंट है वो किस ईयर में हुआ था बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे uh, 2021 से सीधा जोड़ लो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1921 हो जाएगा 1921 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है और 2021 में इसको 100 साल पूरे हो गए सिंपल और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसी का जो हेड होता है जो उसका मुखिया होता है वही वहां का प्रेसिडेंट होता है तो वर्तमान में जैसे क्वेश्चन कोविड से भी आ सकता है कोविड नाइनटीन का ओरिजिन पॉइंट वुहान माना गया क्वेश्चन वहां से भी दे सकता है ठीक है तो मुद्दा यह है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमें कैसे उठाना है और क्या पढ़ना है चलिए आगे मैं एक आध कंट्री का और बता देता हूँ यहाँ पे हमने स्पेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखा हमने चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा जर्मनी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा अभी हमारे पास जापान की बात कर लेते हैं ठीक जापान की बात करते हैं अब जापान के अंदर आपको पता होना चाहिए जापान के अंदर दो तीन क्वेश्चन आते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं और लोग उनके ऊपर कभी फोकस नहीं करते मैं आपको ले चलता हूँ नाइनटीन में और नाइनटीन में दो दो डेट आपको याद होंगी सिक्स और नाइन अगस्त छह और नौ अगस्त ये दो डेट आपको याद होंगे अगर नहीं याद है तो कर लीजिएगा छह और नौ अगस्त को क्या होता है छह अगस्त को ही अगस्त को ही अगस्त को हीरो सीमा, को सीमा और नौ अगस्त को नागासाकी। नागा ये दो ऐसे शहर थे जिनके ऊपर एटमिक अटैक होता है हीरो सीमा और नागासाकी। अब हीरोनों नागा जो शहर है इनको तबाह कर दिया अमेरिका ने आपको पूछेगा साहब क्योंकि आपसे और वो डेप्थ में चला जाए तो आपको सीधे चले जाना पर्ल पर्ल क्योंकि जिसका बदला उसने लिया था पांच साल बाद में आगे लिया था so क्वेश्चन आप पढ़ाई कैसे करते हो आपको कंटेंट कैसे पढ़ना है ठीक है क्लासेस लाइक देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट खुद से मेहनत करके भी एग्जाम निकाल लेते हैं बट क्लासेस में एक स्टूडेंट मुझे मैसेज कर पंद्रह सौ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है दूर की फीस से बहुत कम है मेन चीज है आपको एंट्री करना एंट्री करने में आपको जो लोग हेल्प कर रहे हैं वो आपको बैकग्राउंड में कितना मेहनत करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो बहुत सारी चीजें हैं जिनको क्लासेस ज्वाइन करनी डेफिनेटली उनको एडवांटेज मिलेगा एग्जाम में ठीक है जो लोग खुद से करना चाह रहे हैं वो खुद से भी कर सकते हैं मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं ऐसे ही जापान के अंदर एक और चीज हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं हम जापान के अंदर आप जानते होंगे कि जापान में एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा तुम्हें जैसे यहां पे क्या है? मुनेर होता है, है? मुनैर की सिस्टम होता है ठीक है मुनैर की सिस्टम होता है यहाँ पे एक राजा होता है ठीक है तो वो राजा एक प्रोसेस चलती रहती है अभी कौन सा है इससे पहले कौन सा था तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ से आ जाते हैं कि वर्तमान वहां का किंग कौन है ठीक है वर्तमान वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन है तो ये पॉइंट्स भी यहाँ पे पूछे जाते रहे हैं ठीक है तो ये वर्ल्ड वाइड यहाँ का कल्चर होता है किसी भी कंट्री का एक एग्जाम्पल दू मैं जापान का कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो कल्चर क्या है यहाँ पे यहाँ पे आप किमोनो को देख लो किमोनो एक ड्रेस होता है जो की पहना जाता है आपने देखा होगा वो ऐसे पूरा पहन के घूमते हैं उसे कभी दिखाऊंगा आपको ठीक है उसके बाद पीडीएफ बना के लाऊंगा जब पढ़ाने के लिए लाइव लेक्चर जो होंगे उसमें आपको दिखाऊंगा किमोनो क्या होता है ठीक है ओसाक और उसके अलावा आप देखेंगे जैसे मैं टीचर हूं तो सॉरी सेन से तो टीचर को वहां पे सेंस से बोलते हैं सेन सेनपाई सीनियर को बोलते हैं ठीक है सो द थिंग इज एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट होता सिंकानसेन व्हाट इज अ सिंकानसेन एक्चुअली सिंकानसेन इज बुलेट सिंकान ट्रेन uh, तो हमें ना केवल वहां का करंट जो कल्चर है उसके अलावा वहां के करंट वोकैब के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है तो ये एक कंट्री uh, जीके का जो बहुत ही कॉमन सा हिस्सा है जो कि आपको सबको पढ़ना पड़ता है मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इसके बारे में बेसिक्स पता है कि नहीं पता है मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे नो लिखा था आई होप कि आने वाले दिनों में आपको ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से पता होंगी किसी का कोई डाउट है तो पूछिए यहां तक चीजें समझ आए कि नहीं ये बताइए मुझे पहले पता लगे मैं केवल बोले जा रहा हूं बोले जा रहा हूं और कहानी चलती रहे ई मेल में एग्जाम वेयर कर दूंगा ठीक शारिक है ना तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके काम आती हैं और ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो कि आपको एक आपका जो माइंड है वो क्लियर करती है चीजों को लेके कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ठीक है ऐसे ही सेम फ्रांस में पढ़ना है मैं एक बस एग्जांपल देकर आपको समझाया कि इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है वो फ्रांस में भी पढ़ने होंगे ठीक है फ्रांस में आप देखेंगे पढ़ने बैठे तो फ्रांस जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आता है फ्रेंच रिवोल्यूशन आता है ठीक है फ्रेंच रिवोल्यूशन आता है ठीक है फ्रेंच रिवोल्यूशन के अलावा आप अगर यहाँ पे देखें और पॉइंट्स में देखेंगे अगर आप तो आ, उसके अलावा फ्रांस के अंदर आप नेपोलियन बोनापार्ट का जो रोल था वो देखेंगे वहां का कल्चर है ठीक है उसके अलावा जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी वो ट्रीटी क्या थी वहां से क्वेश्चन आ सकते वो फ्रांस के एक शहर में हुई थी इसलिए तो मतलब फ्रांस के टूरिस्ट प्लेस हो गए चाहे वो नोटेड कैथेड्रल हो ठीक है या फिर कोई और टूरिस्ट प्लेस हो फ्रांस में रोमांटिक रोड हो जितने भी चीजें हैं वो सारी के सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए तो मैं कहता हूं कि एक कंट्री में एक कंट्री में आपके पास लगभग 40 से 50 पॉइंट होने चाहिए और पूरा कंट्री जी के इन्हीं 50 पॉइंट्स में खत्म हो जाता है साथियों ठीक है तो अगर आप 40 से 50 पॉइंट्स कवर करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत है या कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है तो आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक डेफिनेटली ठीक है जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ऐसे ही रीजनिंग की बात करें अगर हम ठीक है उसके अलावा मैं यहाँ पर करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा सी भी पढ़ाऊंगा करंट अफेयर में वैसे यूट्यूब पे फ्री में हो रहा है फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर कराने की कोशिश मेरी रहेगी तो उससे आपको काफी सारे जो हेल्प है वो मिल जाएंगे ठीक है उसके अलावा अगर मैं बात करू आपसे यहाँ पे आ, आपको हम आ, रीजनिंग की क्लास की अगर हम बात करें तो रीजनिंग बहुत बेसिक रीजनिंग आती है जैसे बड़े आराम से कोई भी कर सकता है तो रीजनिंग के पांच से छह टॉपिक हैं वो मुश्किल से दो से तीन दिन में समाप्त हो जाएंगे ठीक है नो नो आए मैंने ये नहीं कहा कि एंट्रेंस नहीं है एक्चुअली उसके अंदर कहीं लिखा नहीं कि एंट्रेंस होगा लेकिन पिछले साल एडमिशन एंट्रेंस बेस पे हुए थे मैं ये बताना चाह रहा हूं ठीक है ऐसा लिखा हुआ जरूर है कि उसमें एंट्रेंस है कि नहीं कुछ नहीं वो ब्लैंक है एकदम ऑप्शन ही ब्लैंक है वो ठीक है तो वो ऑप्शन जो ब्लैंक है उस ब्लैंक ऑप्शन को हम क्या कंसिडर करें लेकिन मैंने मेरे जो जूनियर्स वहां पढ़ रहे हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछले साल जो एडमिशन हुए थे पिछले साल वाले बैच से मैंने पता किया तो बोले कि एंट्रेंस के स्कोर के बेस पे एडमिशन हुए थे हमारे डायरेक्ट एडमिशन नहीं थे ऑन द स्पॉट नहीं थे ठीक है चलिए तो रीजनिंग रहेगा और इंग्लिश जो है इंग्लिश में रहेगा हमारा बेसिक ग्रामर ठीक है इंग्लिश में क्या रहेगा हमारा बेसिक ग्रामर रहेगा बेसिक ग्रामर रहेगा जो कि हम बड़े आराम से कवर कर सकते हैं मैथ्स इसके पेपर में आता नहीं है हाँ वही ना एंट्रेंस के बिना तो एडमिशन नहीं देंगे वो एंड उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में क्यों नहीं लिखा आई डोंट नो लेकिन मैंने बाद में पता किया तो था सबने कहा कि एंट्रेंस पे ही होता है ठीक है

साठ से सत्तर पॉइंट कवर करेंगे एक से डेढ़ घंटे में तो आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं लेक्चर्स की सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे आपको स्टडी मटेरियल पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा उसके अलावा फाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे इतना ही मिलेगा उससे ज्यादा देने की स्थिति में है भी नहीं क्योंकि इससे ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं वेरी सिंपल ओके सो जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना हो क्लासेस इस सेशन के बाद उनका जो फी है वो ट्वेंटी ऑफ मे तक फिफ्टीन है तो आप फिफ्टीन हंड्रेड पे करके इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कल इवनिंग से रिपीट नहीं होंगी जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन करेगा उसको रिकॉर्डिंग देके काम चलाना पड़ेगा ठीक है तो क्लासेस रिपीट नहीं होंगे अगर आप माइंड में ये लेके चले क्लासेस रिपीट होंगी तो नहीं होंगी मैं पहले बता रहा हूं ठीक है ओके और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेच आप पूछ सकते हैं मुझसे उसका कोई दिक्कत नहीं आई कैन आंसर योर क्वेश्चन या है किसी का कोई सवाल पैटर्न से लेके एडमिशन प्रोसेस तक कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं बताइए सेंटर तो पता चल जाएगा सेंटर तो अभी एडमिट कार्ड आएंगे तब तो पता चलेगा ना कहाँ पे भाई पिथौरागढ़ वगैरह में देते हैं नैनीताल में भी होता है देहरादून तो होता ही है और आई थिंक हरिद्वार में भी होता है ठीक है एक बार मैं लिस्ट देख लूंगा पिछले साल कहाँ कहाँ दिए थे इन्होंने दिल्ली में भी होता है एक सेंटर इनका ठीक है तो आप वो भी देख सकते हैं ओके तो फिर हम मिलते हैं कल शाम को छः बजे पेड स्टूडेंट्स की क्लास रहेगी कल का लिंक टेलीग्राम वगैरह में नहीं आएगा केवल पेड स्टूडेंट्स के ग्रुप में आएगा तो जिनको जुड़ना हो ऑनलाइन होगा पेपर तो जिनको जुड़ना हो वो इस, इस पूरे हमारे जो ये हमारा कि कोर्स है उसे बाय कर सकते हैं फिफ्टीन हंड्रेड उसका फी है वो पे करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो अभी तक हमने जो पढ़ा है इसका पीडीएफ में एग्जाम में शेयर कर दे रहा हूं ठीक है ओके ठीक है कल मिलते हैं अपन शाम को छह बजे जिनको ज्वाइन करना हो एक बार फिर मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा तो नोटिफिकेशन देख के यू कैन पे एंड ज्वाइन नाउ थैंक यू वेरी मच